जीवों को विश्राम देने के लिए ही है। आपके नाभि कमल रूप भवन से मेरा जन्म हुआ है। यह संपूर्ण विश्व आपके उदर में समाया हुआ है। आपकी कृपा से ही मैं त्रिलोकी की रचना रूप उपकार में प्रवृत्त हुआ हूँ। इस समय योग निद्रा का अंत हो जाने के कारण आपके नेत्र कमल विकसित हो रहे हैं। आपको मेरा नमस्कार है। आज संपूर्ण जगत के एकमात्र सुहृद और आत्मा है तथा शरणागतों पर कृपा करने वाले हैं। अतः अपने जिसे ज्ञान और ऐश्वर्य से आप विश्व को आनंदित करते हैं उसी से मेरी बुद्धि को भी युक्त करें। इससे मैं पूर्व कल्प के समान इस समय भी जगत की रचना कर सकूं। आप भक्तवांचल कल्पतरु हैं। अपनी शक्ति लक्ष्मी जी के सहित अनेकों गुणावतार लेकर आप जो जो अद्भुत कर्म करेंगे मेरा यह जगत की रचना करने का उद्यम भी उन्हीं में से एक है। अतः इसे रचते समय आप मेरे चित्त को प्रेरित करें, शक्ति प्रदान करें, जिससे मैं सृष्टि रचना विषयक अभिमान रूप मल से दूर रह सकूं। हे प्रभो, इसे प्रलय कालीन जल में शयन करते हुए आप अनंत शक्ति परम पुरुष के नाभि कमल से मेरा प्रादुर्भाव हुआ है और मैं हूँ भी आपकी ही विज्ञान शक्ति। अतः इस जगत के विचित्र रूप का विस्तार करते समय आपकी कृपा से मेरी वेद रूप वाणी का उच्चारण लुप्त न हो। आप अपार करुणा में पुराण पुरुष हैं। आप परम प्रेममयी मुस्कान के सहित अपने नेत्र कमल खोलिए और शेष शैया से उठकर विश्व के उद्भव के लिए अपनी सुमधुर वाणी से मेरा विषाद दूर कीजिए। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, इस प्रकार तप विद्या और समाधि के द्वारा अपने उपस्थित स्थान श्री भगवान को देखकर तथा अपने मन और वाणी की शक्ति के अनुसार उनकी स्तुति कर ब्रह्मा जी थके से होकर मौन हो गए। श्री मधुसूदन भगवान ने देखा कि ब्रह्मा जी इसे प्रलयकालीन जलराशि से बहुत घबराए हुए हैं तथा लोक रचना के विषय में कोई निश्चित विचार न होने के कारण उनका चित्त बहुत खिन्न है। तब उनके अभिप्राय को जानकर भी अपनी गंभीर वाणी से उनका खेद शांत करते हुए कहने लगे। श्री भगवान ने कहा, वेद गर्भ तुम विषाद के वशीभूत हो, आलस्य न करो, सृष्टि रचना के उद्यम में तत्पर हो जाओ। तुम मुझसे जो कुछ चाहते हो उसे तो मैं पहले ही कर चुका हूँ। तुम एक बार फिर तप करो और भागवत ज्ञान का अनुष्ठान करो। उनके द्वारा तुम सब लोगों को स्पष्टतया अपने अंतःकरण में देखोगे। फिर भक्ति युक्त और समाहित चित्त होकर तुम संपूर्ण लोक और अपने में मुझको व्याप्त देखोगे तथा मुझ में संपूर्ण लोक और अपने आप को देखोगे। जिस समय जीव काष्ठ में व्याप्त अग्नि के समान समस्त भूतों में मुझे ही स्थित देखता है उसी समय वह अपने अज्ञान रूप मल से मुक्त हो जाता है। जब वह अपने को भूत इंद्रिय गुण और अंतःकरण से रहित तथा स्वरूपतः मुझसे अभिन्न देखता है तब मोक्ष पद प्राप्त कर लेता है। ब्रह्मा जी नाना प्रकार के कर्म संस्कारों के अनुसार अनेक प्रकार की जीव सृष्टि को रचने की इच्छा होने पर भी तुम्हारा चित्त मोहित नहीं होता। यह मेरी अतिशय कृपा का ही फल है। तुम सबसे पहले मंत्र दृष्टा हो। प्रजा उत्पन्न करते समय भी तुम्हारा मन मुझ में ही लगा रहता है। इसी से पापमय रजोगुण तुमको बांध नहीं पाता। तुम मुझे भूत इंद्रिय गुण और अंतःकरण से रहित तथा स्वरूपतः मुझसे अभिन्न देखता है तब मोक्ष पद प्राप्त कर लेता है। ब्रह्मा जी नाना प्रकार के कर्म संस्कारों के अनुसार अनेक प्रकार की जीव सृष्टि को रचने की इच्छा होने पर भी तुम्हारा चित्त मोहित नहीं होता। यह मेरी अतिशय कृपा का ही फल है। तुम सबसे पहले मंत्र दृष्टा हो। प्रजा उत्पन्न करते समय भी तुम्हारा मन मुझ में ही लगा रहता है। इसी से पाप में रजोगुण तुमको बांध नहीं पाता। तुम मुझे भूत इंद्रिय गुण और अंतःकरण से रहित समझते हो। इससे जान पड़ता है कि यद्यपि देहधारी जीवों को मेरा ज्ञान होना बहुत ही कठिन है तथापि तुमने मुझे जान लिया है। मेरा आश्रय कोई है या नहीं इस संदेह से तुम कमल लाल के द्वारा जल में उसका मूल खोज रहे थे। सो मैंने तुम्हें अपना यह स्वरूप अंतःकरण में ही दिखलाया है। प्यारे ब्रह्मा जी, तुमने जो मेरी कथाओं के वैभव से युक्त मेरी स्तुति की है और तपस्याओं में जो तुम्हारी निष्ठा है वह भी मेरी ही कृपा का फल है। लोक रचना की इच्छा से
तुमने सगुण प्रतीत होने पर भी जो निर्गुण रूप से मेरा वर्णन करती हुई स्तुति की है उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारा कल्याण हो। मैं समस्त कामनाओं और मनोरथों को पूर्ण करने में समर्थ हूँ। जो पुरुष नित्य प्रति इस स्तोत्र द्वारा स्तुति करके मेरा भजन करेगा उस पर मैं शीघ्र ही प्रसन्न हो जाऊँगा। तत्ववेत्ताओं का मत है कि पूर्त तप यज्ञ दान योग और समाधि आदि साधनों से प्राप्त होने वाला जो परम कल्याण में फल है वह मेरी प्रसन्नता ही है। विधाता मैं आत्माओं का भी आत्मा और स्त्री पुत्रादि प्रियों का भी प्रिय हूँ। देहादि भी मेरे ही लिए प्रिय हैं, अतः मुझसे ही प्रेम करना चाहिए। ब्रह्मा जी त्रिलोकी को तथा जो प्रजा इस समय मुझ में लीन है उसे तुम पूर्व कल्प के समान मुझसे उत्पन्न हुए अपने सर्ववेदमय स्वरूप से स्वयं ही रचो। श्री मैत्री जी कहते हैं प्रकृति और पुरुष की स्वामी कमलनाभ भगवान सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी को इस प्रकार जगत की अभिव्यक्ति करवाकर अपने उस नारायण रूप से अदृश्य हो गए। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। आइए भक्त वृंदो श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद में दसवां अध्याय दस प्रकार की सृष्टि का वर्णन श्रवण करते हैं। विदुर जी ने कहा मुनिवर भगवान नारायण के अंतर्ध्यान हो जाने पर संपूर्ण लोकों के पितामह ब्रह्मा जी ने अपने देह और मन से कितनी प्रकार की सृष्टि उत्पन्न की। भगवान इनकी सेवा मैंने आपसे और जो जो बातें पूछी हैं उन सबका भी क्रमशः वर्णन कीजिए और मेरे सब संशयों को दूर कीजिए क्योंकि आप सभी बहुज्ञों में श्रेष्ठ हैं। श्री सूत जी कहते हैं सोनक जी विदुर जी के इस प्रकार पूछने पर मुनिवर मैत्री जी बड़े प्रसन्न हुए और अपने हृदय में स्थित उन प्रश्नों का इस प्रकार उत्तर देने लगे। श्री मैत्री जी ने कहा अजन्मा भगवान श्री हरि ने जैसा कहा था ब्रह्मा जी ने भी उसी प्रकार चित्त को अपने आत्मा श्री नारायण में लगाकर 100 दिव्य वर्षों तक तप किया। ब्रह्मा जी ने देखा कि प्रलयकालीन प्रबल वायु के झरोकों से जिससे वे उत्पन्न हुए हैं तथा जिस पर वे बैठे हुए हैं वह कमल तथा जल कांप रहे हैं। प्रबल तपस्या एवं हृदय में स्थित आत्मज्ञान से उनका विज्ञान बल बढ़ गया और उन्होंने जल के साथ वायु को पी लिया। फिर जिस पर स्वयं बैठे हुए थे उस आकाशव्यापी कमल को देखकर उन्होंने विचार किया पूर्व कल्प में लीन हुए लोगों को मैं इसी से रचूंगा। तब भगवान के द्वारा सृष्टि कार्य में नियुक्त ब्रह्मा जी ने उस कमल को उसमें प्रवेश किया और उस एक के ही भू भव स्व ये तीन भाग किए। यद्यपि वह कमल इतना बड़ा था कि उसकी 14 भुवन या इससे भी अधिक लोकों के रूप में विभाग किए जा सकते थे। जीवों के भोग स्थान के रूप में इन्हीं तीन लोकों का शास्त्रों में वर्णन हुआ है। जो निष्काम कर्म करने वाले हैं उन्हें मह तपह जन और सत्यलोक रूपी ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। विदुर जी ने कहा ब्रह्मन आपने अद्भुत कर्मा विश्व रूप श्री हरि की जिस काल नामक शक्ति की बात कही थी प्रभो उसका कृपया विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। श्री मैत्री जी ने कहा विषयों का रूपांतर बदलना ही काल का आकार है। स्वयं तो वह निर्विशेष अनादि और अनंत है। उसी को निमित्त बनाकर भगवान खेल खेल में अपने आप को ही सृष्टि के रूप में प्रकट कर देते हैं। पहले यह सारा विश्व भगवान की माया से लीन होकर ब्रह्म रूप से स्थित था। उसी को अव्यक्त मूर्ति काल के द्वारा भगवान ने पुनः पृथक रूप से प्रकट किया है। यह जगत जैसा अब है वैसा ही पहले था और भविष्य में भी वैसा ही रहेगा। इसकी सृष्टि 9 प्रकार की होती है तथा प्राकृत व्यकृत वेद से 1/10 सृष्टि और भी है और इसका प्रलय काल द्रव्य तथा गुणों के द्वारा 3 प्रकार से होता है। अब पहले मैं 10 प्रकार की सृष्टि का वर्णन करता हूँ। पहली सृष्टि महतत्व की है। भगवान की प्रेरणा से सत्वादि गुणों में विषमता होना ही इसका स्वरूप है। दूसरी सृष्टि अहंकार की है जिससे पृथ्वी आदि पंचभूत एवं ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रिय की उत्पत्ति होती है। तीसरी सृष्टि भूत सर्ग है जिसमें पंच महाभूतों को उत्पन्न करने वाला तन्मात्र वर्ग रहता है। चौथी सृष्टि इंद्रियों की है यह ज्ञान और क्रिया शक्ति से संपन्न होती है। पांचवी सृष्टि सात्विक अहंकार से उत्पन्न हुए इंद्रियाधिष्ठाता देवताओं की है। मन भी इसी सृष्टि के अंतर्गत है।
छठी सृष्टि अविद्या की है। इसमें तामिश्र अंध तामिश्र तम मोह और महामोह ये पांच गाठें हैं। यह जीवों की बुद्धि का आवरण और विक्षेप करने वाली है। ये छह प्राकृत सृष्टियां हैं। अव्यकृत सृष्टियों का भी विवरण सुनो। जो भगवान अपना चिंतन करने वालों के समस्त दुखों को हर लेते हैं, यह सारी लीला उन्हीं श्री हरि की है। वे ही ब्रह्मा के रूप में रजोगुण को स्वीकार करके जगत की रचना करते हैं। छह प्रकार की प्राकृत सृष्टियों के बाद सातवीं प्रधान व्यकृत सृष्टि इन छह प्रकार के स्थावर वृक्षों की होती है। वनस्पति औषधि लता त्वक्सार विरुद्ध और द्रुम इनका संचार नीचे जड़ से ऊपर की ओर होता है। इनमें प्राय ज्ञान शक्ति प्रकट नहीं रहती, ये भीतर ही भीतर केवल स्पर्श का अनुभव करते हैं तथा इनमें से प्रत्येक में कोई विशेष गुण रहता है। आठवीं सृष्टि तिर्यग योनियों पशु पक्षियों की है। वे 28 प्रकार की मानी